जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो बच्चे नए 10th पास किए हैं या जो बच्चे 12th पास करके 10th और 12th पास करके जितने भी बच्चे जो तैयारी करने के लिए आते हैं SSC GD की, उन सभी का जो मेरे से क्वेश्चन रहता है आज मैं उसका आंसर देने वाला हूँ कि सर आपका SSC GD में सिलेक्शन कैसे हुआ, केवल 3 महीने की तैयारी में आपने सिलेक्शन कैसे लिया, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है 3 माह में या नहीं। पहली बात तो मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ इस पर हम बात करें। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि SSC GD के लिए मैंने कोई जैसे 4 साल 5 साल तैयारी नहीं की, ठीक है, केवल मात्र 3 माह तैयारी की। 3 माह में तैयारी करके SSC GD में मेरे लगभग 87 नंबर थे, जो कि 2015 की वैकेंसी थी, ठीक है, इसमें से 84 तो मेरे नंबर आए थे और 3+ बोनस अंक मिलकर 87 चले गए, ठीक है। 2015 की वैकेंसी थी वो, 2017 में इसका रिजल्ट आया था, यानी 2017 में मैंने ज्वाइन किया था, 21 मार्च 2017 को मैंने ज्वाइन किया था SSC GD के द्वारा CRPF को। बहुत सारे बच्चे इसको जानते नहीं, कुछ बच्चे इसके बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो मैंने 4.5 साल लगभग 5 साल की सर्विस की है CRPF में। अब उसके बाद से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप सभी देख ही रहे हो मुझे, हमारी अकेडमी भी कुछ। तो बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, पिछला SSC GD का जो हमारा बेस निकला उसमें लगभग 51 में से 40 बच्चे पास हुए हैं SSC GD, उनमें से मैं आपको बता दूं लगभग 38 बच्चों का मेडिकल लिस्ट में भी नाम आ गया है, ठीक है, 38 बच्चों का मेडिकल लिस्ट में भी नाम आ गया है, यानी 2 बच्चे यहाँ पर छट गए हैं, लेकिन बाकी 38 बच्चों का नाम अभी भी है और फाइनल मेरिट तक भी आप देखिएगा बहुत ही अच्छा परिणाम रहने वाला है। अब मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, साथ ही इन बच्चों का सिलेक्शन कैसे हुआ, ये दोनों चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले SSC GD की तैयारी शुरू की, उससे पहले मैंने ये देखा कि SSC GD में अगर सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए मुख्य या मेन क्या जरूरत है, किसके कारण इसमें सिलेक्शन होता है, किसके कारण रहता है। तो मैंने ये देखा पहले जो मेरे से पहले SSC GD में सिलेक्ट हुए उन्हीं में क्या खास बात थी, तो मैं आपको बताऊं 99% यानी लगभग 90% आप मान के चलिए 99 नहीं तो कि 90% SSC GD में वही बच्चे लगते हैं जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट है, हमको तो मैथ आती नहीं है। अब आप सभी को पता है कि मैं मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूं, जबकि मैं आर्ट्स का ही स्टूडेंट हूं और 10th क्लास में मेरे 42% थे। पहली बात तो ये चीज बता देता हूं कि आप SSC GD अगर आपके कितने भी परसेंटेज है कोई मैटर नहीं करता, आप SSC GD का एग्जाम दे सकते हैं, आर्मी की तरह 45% होना जरूरी नहीं है। तो फिर मैं तो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो आप सोचिए आपको तो सीखना है तो आप क्यों नहीं सीख सकते, मैं भी आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, क्यों नहीं? देखो SSC GD की जो मैथ है ना इसमें आती है अंक गणित जो कि गणित का सबसे इजी पार्ट माना जाता है। अंक गणित को सीखना बहुत आसान है, बहुत सरल है, प्लस SSC GD में अंक गणित के जो क्वेश्चन आता है ना वो सबसे लो लेवल के होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। तो मैंने ये देखा कि मैं तो रीजनिंग ही अगर मैं सीख गया तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा और ऐसा ही हुआ, ठीक है। मुझे पहले भी बहुत कम याद होती थी, आज भी बहुत कम याद होती है, तो मैंने क्या किया उस दिन से ही टारगेट बनाया कि अगले 45 दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग की ही तैयारी करूंगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करूंगा। और मैंने 45 दिन ओनली जितनी भी मेरे को मैथ की क्लासें मिली थी, जितनी भी मैथ की प्रैक्टिस में कर सकता था, मैथ और रीजनिंग की, इसमें ज्यादातर पार्ट मैथ का था, क्योंकि अगर आप मैथ सीख गए तो रीजनिंग आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, तो जो जो चीजें याद करने वाली थी उन सबको मैंने याद करता था, जैसे वर्ग हो गए, घनमूल हो गए, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई, इनकी करने की जो क्षमता है 45 दिन बाद में मेरी दुगनी नहीं 5 गुनी हो गई, क्योंकि आप लगातार 45 दिन तक अगर 12 घंटे पढ़ाई करते हो उसमें से अगर 8 घंटे आपने केवल मैथ को दिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मैथ ना सीखो, ये गारंटी है मेरी, स्पेशली अंक गणित की। हो सकता है कि टेक्निकल मैथ आप ना सीखो 45 दिन में, उसके लिए समय 90 दिन का लग सकता है, लेकिन अंक गणित का आप हर पार्ट, अरे अंक गणित में है क्या, संख्या पत्ति, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशत, औसत, ये नाव धारा नदी फदी, ये है जो हवा में होते हैं, इनके क्वेश्चन किसमें होते हैं, हवा में। तो मैंने 8 घंटे लगातार
और जो 4 घंटा मेरा स्टडी का टाइम था वो था रीजनिंग का। 45 दिन मैंने 12 घंटे इस पर का, इसमें क्लासेस जो मैं लेता था वो उनका भी टाइम इंक्लूड है, ना कि केवल सेल्फ स्टडी। तो मैंने 45 दिन तक लगातार मैं तो रीजनिंग ही सीखी, और माइंड फ्रेश करने के लिए कि हाँ मेरे को ऐसा बहुत सा लग रहा है, उस समय थोड़ा सा जीके जीएस देख, ठीक है कि भाई मैं 1 घंटा 2 घंटा परेशान हो गया हूँ, तो जीके जीएस मैंने देख लिया, बाकी मैंने 45 दिन में इनको तैयार कर लिया। आप भी कर सकते हो। एसएससी जीडी में जिस दिन आपने मैथ और रीजनिंग तैयार कर ली, उसके बाद में आप एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करिए, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट मारिए, और गारंटी है मेरी आप इस प्रैक्टिस सेट में 50 में से 45 नंबर लाने लग गए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता नहीं है, ये मेरी गारंटी है 100%। और इसी चीज पे हम फोकस कराते हैं हमारे एकेडमी के बच्चों को, इसीलिए उनकी मैथ की क्लास है हमेशा 1 दिन में 2 से 3 रहती है, रीजनिंग की क्लास 1 से 2 रहती है, ताकि 5 घंटे कम से कम क्लास में वो मैथ पढ़े या रीजनिंग पढ़े, ताकि उसकी खोपड़ी थोड़ी सी खुले। अब 45 दिन बाद में आप स्पेशली मैथ तो रीजनिंग काफी कुछ सीख लोगे, अगर 45 दिन अगर आप 12 घंटे के आसपास में तो रीजनिंग सीख रहे हो, तो आपका दिमाग बहुत तेज से दौड़ने लग जाएगा, और फिर उसके बाद में आप जीके और जीएस साथ में हिंदी ऐड कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में इसके बाद में भी ऐसा नहीं कि आपको मैथ रीजनिंग छोड़ देना, नहीं, 12 घंटे में से 6 घंटे अभी भी आपको यही पढ़ना है। और इस प्रकार आपने टोटल 90 दिन की तैयारी में 45 दिन तो केवल मैथ रीजनिंग सीखी, उसके बाद में आगे के जो दिन थे 45 उसमें से यानी 6 घंटे यानी आधा समय स्टडी का आपने अपने मैथ और रीजनिंग को दिया, तो इसका मतलब आपका पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। बाकी जो पार्ट है आप जीके हिंदी और जीएस, ये बहुत इजी पार्ट होता है एसएससी जीडी में। अब आप बोलोगे सर जीके इजी नहीं, जीके इजी नहीं है, लेकिन जीके में आप ये टारगेट करिए कि मेरे 12 से लेकर 15 नंबर आ जाए, तो आप दिन में अगर डेली, जैसे मैं बोला ना कि जब मेरे को परेशानी होने लग जाती 12 घंटा मैथ पढ़ के, तो जीके में 1-1.5 घंटा पढ़ लेता था, वैसे ही आपको जीके पढ़ते रहना, नॉर्मल अपडेट रहना है। बाकी जीके जीएस में अगर आप 12 से 13 नंबर ही ले आते हो, अगर एसएससी जीडी में मेरे जैसे 49 नंबर थे, फिर बाद में 1+ हुआ तो 50 नंबर इसके, और हिंदी के 25 में से अगर आप 24 नंबर आसानी से ला सकते हो 45 दिन तैयारी करके। 45 दिन में आप 3 घंटे पढ़ के भी या 2 घंटे पढ़ के भी आप हिंदी में 25 में से 24 नंबर या 22-23 नंबर ला सकते हो। तो 50 और 23 कितने हो गए, 73। अगर आपके जीके में आ गए 12, देख लीजिए आपके हो गए 12-85 नंबर, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये एसएससी जीडी में ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, और ऐसे ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं, और ऐसे ही एकेडमी से बच्चों होते हैं लाडलो, इस बात को मत समझ में आई बात, इन चीजों पे फोकस करना है, बाकी आपको कोई रोक। जय हिंद, जय भारत लाडलो।